जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आउटर जिला पुलिस ने वाहनों के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज कर बीमा दावा करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आउटर जिला क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी को रोकने और ऑटो लिफ्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए डीसीपी जिम्मी चिराम के निर्देशानुसार एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड जिले की एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर दीपक, सब इंस्पेक्टर अभिलाष, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शक्ति, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल मंजीत और कांस्टेबल संजीव शामिल थे। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के नेतृत्व में एसीपी नरेंद्र खत्री के करीबी पर्यवेक्षण में टीम ने थाना पश्चिम विहार ईस्ट की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि शिकायतकर्ता मनोज शर्मा ने पहले ही अपने चार अन्य वाणिज्यिक वाहनों की चोरी के संबंध में चार अन्य ईएफआईआर दर्ज कराई थी। टीम ने प्रत्येक मामले में घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज की गहन जांच की और अन्य विवरणों का सत्यापन किया। 31 अगस्त को शिकायतकर्ता मनोज शर्मा से पूछताछ की गई, जिन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 3 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर खरीदे थे, जिन्हें किसी को बेच दिया गया। उनके इंस्टेंस पर एक फार्म टैक्सी 66 ट्रैक्टर उत्तराखंड से और एक फार्म टैक्सी 66 ट्रैक्टर गौतम बुद्ध नगर से बरामद किए गए। आरोपी मनोज शर्मा को मामले में गिरफ्तार किया गया और अदालत के समक्ष पेश किया गया और आगे की जांच के लिए 8 दिनों का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। सतत पूछताछ पर आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपना जेसीबी जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को बेच दिया था और आगे पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार ईस्ट में एक फर्जी ईएफआईआर दर्ज कराई थी बीमा का दावा करने के लिए। इसके अलावा टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई और कारगिल लद्दाख से एक जेसीबी थाना पश्चिम विहार ईस्ट में बरामद किया। आरोपी ने बताया कि अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन शैली के लिए इस तरह के अपराध करने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। इस विषय पर जनमत की पुकार के रिपोर्टर तिलक राज ने आउटर जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत करता है, मैं तिलक राज में मौजूद हूँ आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस केस में 18/7/2024 को एक एफआईआर दर्ज होती है पश्चिम विहार ईस्ट थाने में। इसमें कंप्लेनेंट मनोज शर्मा है और उन्होंने एक उनकी जेसीबी थी उसके चोरी हो जाने का उसमें आरोप लगाया और हमने उसमें एफआईआर भी दर्ज की और त्वरित कार्रवाई की, डेडिकेटेड टीम संगठित की, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस करते हुए, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हुए सारी चीज़ों को जब हमने खंगाला तो हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि इसी आदमी के द्वारा अन्य जगह भी एफआईआर करवाई हुई है, जैसे कि व्हीकल चोरी की इन्होंने विकासपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी करवाई हुई थी, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में मुंडका में भी करवाई हुई थी 2 FIR, 2 व्हीकल्स चोरी होने की, एक रानीबाग में करवाई हुई थी। तो इस तरीके से 5 व्हीकल्स की तो हमको डिटेल्स मिल गई कि सेम कंप्लेनेंट के द्वारा 5 FIR दर्ज कराई गई है व्हीकल चोरी की। फिर धीरे धीरे जब उनकी फर्दर डिटेल्स को हमने खंगाला तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि ये आदमी खुद ही उन व्हीकल्स को बेचता था, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे लेता था और एफआईआर दर्ज कराता था। वो एफआईआर दर्ज इसलिए करवाता था कि इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस ले सके। तो ये टोटल एक फ्रॉड था, उसमें कंप्लेनेंट ही अब हमारे लिए एक तरीके से अक्यूज्ड है और उसको अरेस्ट किया जा चुका है। तो सर कैसे था, अकेला ही है इसमें अक्यूज या फिर उसके साथ भी उसके कुछ को अक्यूज? ये जो अक्यूज्ड है ये मनोज शर्मा झज्जर का रहने वाला है, 41 साल का है और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है उसमें ये एक ही आदमी है, लेकिन हमने पूरा, हमको विश्वास भी है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, ये पूरा एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम किया जा रहा हो, क्योंकि अकेला आदमी इतने व्हीकल्स को एक चैन में ही मूव करवाना होता है तो अकेला आदमी मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए हमने 8 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली हुई है और उसमें हम लगे हुए हैं कि इसका फर्दर अपवर्ड बैकवर्ड लिंक ओपन किए जाए। प्रोफाइल क्या है? ये आदमी बारी पास आदमी है और 41 साल का है, झज्जर का रहने वाला है और इसने पारिवारिक जरूरतों और लाविश लाइफ जीने के लिए ये धंधा स्टार्ट कर दिया। एक टाइप से चीटिंग है, फ्रॉड है। तो सर ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, हैवी व्हीकल्स, ट्रक या जेसीबी वगैरह, उन्हीं को जो है उन्हीं को खरीद करके इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। अभी तक हमने एक पश्चिम विहार ईस्ट में जो एफआईआर हुई थी उसमें इन्होंने जेसीबी चोरी का लगाया था आरोप, वो हमने कारगिल से रिकवर की है। ऐसे ही
पश्चिम मुंडका में ट्रैक्टर चोरी का था, EFIR करवाते थे ये। उसमें मुंडका जो मुंडका से जो चोरी हुआ ट्रैक्टर, वो भी हमने उत्तराखंड से रिकवर किया। ऐसे ही एक और ट्रैक्टर जो था, किस थाने का था, नांगलोई से नहीं, और ट्रैक्टर हमने रिकवर किया, उसमें भी EFIR थी। वो उसकी EFIR विकासपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी। तो हमने दो ट्रैक्टर रिकवर किए हैं और एक JCB रिकवर किया। और ये JCB कारगिल J&K से रिकवर किया 1200 किलोमीटर दूर जा करके। तो ये काफी अच्छी सफलता है। इसमें हमको काफी कसमकस रही, जोर भी आया, चेसिंग भी करनी पड़ी, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर जाकर हमने वो JCB रिकवर किया। तो ये मेनली ट्रैक्टर JCB बड़े व्हीकल जो होते हैं, जो कि कॉस्टली भी हैं, ताकि उनका इंश्योरेंस इसको ज्यादा क्लेम मिलता होगा, तो फायदे की डील हुआ करती थी इसके लिए। इसमें आप देखोगे तो 3 लेवल पे आदमी फ्रॉड कर रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, दूसरा ये जिसको बेच रहा है उसके नाम भी वो व्हीकल हो नहीं रहा है, एफिडेविट से ही बेच रहा है वो, तो वो कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, और तीसरा वो बैंक वालों के साथ सेटलमेंट करता था, जितना उसका लोन था वो किस्तें देना बंद कर देता था क्योंकि चोरी हो गया व्हीकल। तो जब वो सेटलमेंट करेगा तो निश्चित रूप से जो अमाउंट देना था एक्चुअली उसका काफी कम करके सेटलमेंट करता था। तो 3 लेवल पे आदमी फ्रॉड कर रहा था। जम्मू और कश्मीर बेचना इतनी दूर अगर बेचने की बात आ रही है, तो कहीं कहीं उसके अंदर दिमाग में ये चीज होंगी कि दूर रहेगा तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, निश्चित रूप से ये भी एक फैक्टर है कि जितना दूर आप रखो इस सेंटर से जहां से आपने व्हीकल खरीदा है या जहां पर उसकी ओनरशिप है एक्चुअली, वहां से दूर अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो ही उसके कम चांस होते हैं पकड़े जाने के, उसका जो राज खुलने में टाइम लगेगा। जैसे दो ट्रैक्टर हमने अभी रिकवर किया, एक ट्रैक्टर उत्तराखंड से किया है, एक ट्रैक्टर यूपी से किया है। तो आसपास के एरिया में वो नहीं बेच रहे हैं, काफी दूर जाके बेच रहे हैं। सर, जो जो व्हीकल है या फिर जो आम लोग हैं उनको ये व्हीकल सेल करता, ये इनका नेटवर्क था, खुद की पर्सनल जो जानकारी होती थी, शायद नीडी आदमी जो भी होता था जिसको जरूरत पड़ती थी वो इनके नेटवर्क में आ जाता था, और जस्ट इनका पर्सनल जो वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उस आधार पे बेचा जाता था। इसका कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कहीं कोई इश्तेहार इस टाइप में कुछ नहीं था। ये आपस में ही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका निश्चित रूप से एक ग्रोह सा ही काम करता होगा, उसको हम अनरेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज शर्मा के अलावा भी और लोग भी इसमें लिप्त होंगे, उस पर हम कार्य कर रहे हैं उस पर। हमने जो एक वो कारगिल वाले को पकड़ा है, हाँ, एक बार कारगिल से जो हमने JCB रिकवर की है उसमें हम ये वेरीफाई कर रहे हैं ओनरशिप वगैरह, एक बार वो सर्टेन हो जाए उसके बाद उनको भी एक तरीके से षड्यंत्र का पार्ट बना करके। सर, कितनी उम्मीद है आपको, कितनी व्हीकल्स और रिकवर हो सकते हैं और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी और अभी हो सकती? देखिए, अभी तक टोटल 5 FIR हमको पता है जिनमें इस आदमी ने, ये कंप्लेनेंट है, उनमें से 3 व्हीकल रिकवर हो गए हैं, 2 और व्हीकल की आशा है। निश्चित रूप से वो, क्योंकि उनके FIR है और मनोज शर्मा भी हमारे पास है, तो इतना तो थोड़े अगर प्रयास किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जैसा कि हम कर ही रहे हैं, तो ये पता चल ही जाएगा। तो हमको आशा है कि 2 और व्हीकल रिकवर हो जाएंगे, और फर्दर फिर हम देखते हैं कि कहीं और भी, क्योंकि अन्य स्टेट्स में भी हो सकता है कि इन्होंने ये ऐसी चीजें कर रखी। उसको गिरफ्तार हमने, क्योंकि वो कंप्लेनेंट था और वो कॉन्फिडेंट था कि उसका ये राज तो कभी खुलेगा नहीं, तो पुलिस के बुलाने पे वो आता था, काफ़ी सपोर्टिव था, लेकिन उसी उसके विश्वास का फायदा लेते हुए हमने उसको बुलाया, और हमने AATS का जो स्टाफ है, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, उसके ऑफिस से ही बुला करके इसको वहीं पर अरेस्ट किया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।